हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी देशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, डिफेंडिंग चैंपियन दबंग दिल्ली की 2022 के लिए स्क्वाड कौन सा होने वाला है, बात करेंगे। टीम को मिला है नया कप्तान, सारी चीज़ आपको डिटेल में क्लियर करने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, आइए फटाफट से एक नज़र डालते हैं पीकेएल सीजन 9 फुल स्क्वाड के ऊपर। तो ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो यहाँ विजय मलिक, रिजा और तेजस पाटिल हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर्स खिलाड़ी इन्होंने ऑक्शन में ली हैं। वहीं बात करें रेडर्स की, तो रेडर्स की भूमिका इस बार निभाने वाले हैं आशीष नरवाल, आशु मलिक, मंजीत, नवीन एक्सप्रेस, सूरज पंवार। वहीं बात करें डिफेंडर की, तो डिफेंडर में भी काफ़ी बेहतरीन लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके पास, काफ़ी एक्सपीरियंस और युवा खिलाड़ियों का मिक्सअप है इस टीम के अंदर। संदीप धुल, विशाल, दीपक, कृष्ण धुल, विजय, विनय कुमार, मोहम्मद, लिटन अली, अमित हुड्डा, अनिल कुमार, आकाश, मोनू और रवि कुमार, काफी बेहतरीन डिफेंडिंग रहने वाले इस बार इस टीम की, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते काफी प्रेशर होगा इस टीम पर कि 2022 में भी ये टीम चैंपियन बन पाए। सो गाइस, बात करें कुल मिलाकर पीकेएल 9 सीजन के लिए, अगर बात करें दबंग दिल्ली की स्टार्टिंग प्लेइंग 7 कौन सी होने वाली है, तो यहाँ विजय मलिक, आशीष नरवाल, आशु मलिक, संदीप धुल, दीपक, अमित हुड्डा और नवीन कुमार एक्सप्रेस, ये होने वाली है माय पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग 7। आपके अकॉर्डिंग कौन सी होने वाली है स्टार्टिंग प्लेइंग 7, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, वहीं बात करें इस बार कप्तानी की जिम्मेदारी किस खिलाड़ी को मिलने वाली है, तो निश्चित रूप से विजय मलिक, संदीप धुल या नवीन कुमार एक्सप्रेस, इन तीन खिलाड़ियों में से कोई एक कैप्टन होने वाला है। आपके अकॉर्डिंग कौन होगा कैप्टन, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। माय पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नवीन कुमार एक्सप्रेस को इस बार कप्तानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सो गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।